Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the last topic of urinary system, that is inflammation of urinary bladder, or we can say cystitis. तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है सिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो ये यूरिनरी सिस्टम, दोनों किडनीज, यूरेटर और ब्लैडर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो कि यूरिथ्रा में खुल रहा है, यूरिथ्रा बाहर खुलेगा. तो इस यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को ही हम सिस्टाइटिस कहते हैं. यूजुअली ये ब्लैडर का इन्फेक्शन की वजह से ऐसा कंडीशन देखने को मिलती है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार इन्फेक्शन ही इसका कॉज हो. कई बार इरिटेशन या डैमेज भी इसका कॉज हो सकता है. सेक्स के दौरान जो फ्रिक्शन हो रहा होता है उससे कई बार डैमेज हो जाता है, डैमेज से सिस्टाइटिस कॉज हो जाता है. और क्योंकि हमने बोला भाई ड्यूरिंग सेक्स और ये ऐसा देखा जा रहा होता है, तो ये कॉमनली वुमेन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है. इन्फेक्शन मतलब UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको अपन सिस्टाइटिस या ब्लैडर इन्फेक्शन भी कहते हैं. ये इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के पार्ट को अफेक्ट करता है. ये यहाँ पे ब्लैडर को बताया गया, नॉर्मल ब्लैडर देखिए और ब्लैडर इन्फ्लामेशन के बाद में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को देखिए कैसी कंडीशन दिखाई दे रही होती है. अब इसके कॉज, सिस्टाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. अगर बैक्टीरिया ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो वहां पे पहुंच कर ये उसकी लाइनिंग में मल्टीप्लाई करेगा और उस लाइनिंग को इरिटेट कर देगा, जिससे कि सिस्टाइटिस के सिम्टम्स दिखाई देंगे. सिस्टाइटिस यूरिथ्रा के चारों तरफ इरिटेशन या डैमेज से भी कॉज हो सकता है. यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो कि ब्लैडर से बॉडी के बाहर खुलती है, ब्लैडर से आती हुई बॉडी के बाहर खुलती है. मतलब जो ब्लैडर के अंदर यूरिन रहता है वो पास आउट इसी यूरिथ्रा के थ्रू होता है. मेन के अंदर ये यूरिथ्रल ओपनिंग जो है, जब बॉडी से यूरिन निकलेगा तब ओपन होती है ये पेनिस के टिप पर, और वेमेन में जस्ट ये क्लाइटोरिस के नीचे पाई जा रही होती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया गेट इनटू द ब्लैडर एंड मल्टीप्लाई. जब बैक्टीरिया ब्लैडर में चला जाता है, वहाँ पहुँच करके मल्टीप्लाई करता है, तब ऐसा देखने को मिल रहा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और ये केवल तब होता है जब आप पूरी तरह से ब्लैडर को प्रॉपरली एम्प्टी नहीं करते. इसलिए कभी भी यूरिन को रिटेन नहीं रखना चाहिए, बिना रीज़न के कंट्रोल नहीं करना चाहिए. ब्लैडर को पूरी तरह से ओपन करके आपको प्रॉपरली यूरिन को एम्प्टी कर देना चाहिए. बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, इसके अलावा बैक्टीरिया एनस रूट से भी एंटर होकर के ब्लैडर में पहुंच सकता है, यूरिथ्रा तक जा सकता है. ये मेनली वेमेन में ज़्यादा देखने मिल रहा होता है मैन के कंपैरिजन में, क्योंकि यूरिथ्रा जो है वो क्लोज है एनस के वेमेन के अंदर. इसके अलावा वेमेन में बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स, या फिर वाइपिंग आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट. टॉयलेट में जाने के बाद वाइपिंग के दौरान ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाए फ्रंट टू बैक के अंदर, या फिर टैम्पन इंसर्ट करते समय भी ऐसा हो सकता है. डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में डायफ्राम का अगर कोई यूज़ कर रही है लेडी, तब भी उसके अंदर ऐसा हो सकता है. मेड जो लेटेक्स होता है, सिलिकॉन होता है, उसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है. विमेन के अंदर मीनोपॉज के बाद भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि यूरिथ्रा की लाइनिंग और ब्लैडर जो होता है उस वक्त एक्चुअली थिन हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन एस्ट्रोजन की वहाँ पे कमी आ जाती है. तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से थिनिंग हो जाती है, और थिनिंग की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली हो जाता है. ये जो थिन लाइन है, इसमें इन्फेक्शन या डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. या फिर विमेन जिनके वजन सिक्रीशंस बहुत कम होते हैं मीनोपॉज के बाद में, इसका मतलब जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गए हैं. इसके अलावा ये तो सारे कॉजेज़ थे इन्फेक्शन के. इसके अलावा हमने कहा था डैमेज और इरिटेशन से हो सकता है. सिस्टाइटिस जो है वो यूरिथ्रा के चारों तरफ के एरिया में कोई डैमेज हो जाए, इरिटेशन हो जाए, ये मैन वेमेन दोनों में हो सकता है. टाइट क्लोथ पहनने की वजह से भी हो सकता है, जो आजकल फैशन का प्रतीक बने हुए हैं. केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि आजकल बड़ी वो खुशबूदार साबुन आप लोग यूज़ करते हैं, जो टैल्कम पाउडर आप यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ नहीं होना चाहिए. इसके अलावा और भी कोई ब्लैडर या किडनी की प्रॉब्लम्स हो, जैसे कोई किडनी का इन्फेक्शन हो गया हो, प्रोस्टेटाइटिस हो गया हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है.
डायबिटीज़ के साथ भी ऐसा देखा जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, लंबे समय तक अगर ये कंडीशन बनी रहे तो ऐसा हो जाता है। या कैथेटर की वजह से भी हो सकता है कि डैमेज हो गया हो, जिसमें अपन ट्यूब इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा में ताकि यूरिन फ्लो हो सके ड्रेनेज बैग के अंदर, सर्जरी के बाद ऐसा कॉमनली किया जाता है। तो ये तीन तो कॉज है, डैमेज, इरिटेशन और इन्फेक्शन। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बच्चों और एडल्ट्स में सिस्टाइटिस के अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। अब मेन वेमेन के अंदर तो सिस्टाइटिस जो है वो पेन, जलन, जैसे कोई सुई चुभ रही हो, डंक मारा गया हो, ऐसा लग रहा होता है। यूरिनेशन के दौरान, मतलब जब यूरिन पास कर रहे होते हैं तो ये सेंसेशन आ रहे होते हैं, और अक्सर जो है वो ऐसा फील हो रहा होता है कि यूरिन पास किया जाए, यूरिनेशन की फीलिंग आ रही होती है, अर्जेंट सी हो रही होती है। पर जब पास करते हो तो बहुत कम अमाउंट में यूरिन पास होता है, फील ऐसा हो रहा था कि जैसे कि बहुत बहुत ज़्यादा वो तेज अर्जेंसी है, पर जब पास करने जाओगे तो बहुत कम अमाउंट में यूरिन निकलेगा, मतलब वो यूरिन था तो कम पर वो महसूस ज़्यादा हो रहा होता है। डार्क, क्लाउडी, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन भी पास हो सकता है, थोड़े बहुत उसमें ब्लड भी आ सकता है, मतलब हिमैट्यूरिया की कंडीशन हो सकती है। बेली के लोअर पार्ट में पेन हो सकता है, या लोअर बैक या एब्डोमेन में पेन हो सकता है। हो सकता है कि अनवेल फीलिंग हो रही हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, कमजोरी सी महसूस होने लग जाती है इसमें। जबकि बच्चों के अंदर क्या होता है, कमजोरी आ जाएगी, चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, भूख कम लगेगी उनको, वॉमिटिंग होती रहेगी, यूरिनेशन के दौरान पेन होगा। इसको हम इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं, पर पहले हमारे को देखना होगा कि कॉज क्या है। तो इसके कॉजेज देखिए, एक तो एसटीआई अगर हो जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर हो जाए, जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दीजिए। या फिर बैक्टीरिया इकोलाई से भी हो सकता है, वेजाइनल थ्रश जैसे कैंडिडास हो जाता है, जो कि एक ईस्ट है, कैंडिडा एल्बिकन, फीमेल्स के अंदर ये देखा जा रहा होता है। यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन यूरिथ्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, या यूरिथ्रल सिंड्रोम जो केवल वेमेन में होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो उसके उनका ट्रीटमेंट हमारे को करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी प्रोस्टेटाइटिस से हो सकता है, ये केवल मेन में देखा जाता है। अब पैथोजेनेसिस क्या है भाई, बैक्टीरिया जो यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करते हैं वो टिपिकली यूरिथ्रा के द्वारा ब्लैडर में घुसते हैं, फिर ये इन्फेक्शन, इसके अलावा ये ब्लड या लिम्फ से भी फैल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो जनरली बॉवल से यूरिथ्रा में जाता है, और फीमेल्स की एनाटॉमी कुछ ऐसी होती है तो उनमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लैडर में एंट्री के बाद ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया ब्लैडर से चिपक जाता है, ब्लैडर वॉल से चिपक जाता है, एक बायोफिल्म बना लेते हैं जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स से उन बैक्टीरियाज को बचाता है। इसके अलावा हमने बोला भाई विमेन में तो बार बार होता ही है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बल्कि 16 से 35 साल में बहुत कॉमन होता है, 10% विमेन में ये इन्फेक्शन जो है वो हर साल हो जाता है, और 60% के अंदर इन्फेक्शन जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ के दौरान हो ही जाता है। इसका रिकरेंस अगर एक बार ये हो गया तो कॉमनली होता रहता है, आधे लोगों में तो सेकेंड इन्फेक्शन एक साल के अंदर ही सेकेंड इन्फेक्शन दूसरा भी हो जाता है। यूटीआई तो 4 बार हो जाता है फ्रीक्वेंटली, मेल में ज़्यादा देखने को, 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, 4 बार तो नहीं, 4 गुना ज़्यादा जो है फीमेल से मेल के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। पाइलोनेफ्राइटिस 20 से 30 गुना कम फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी नोजोकोमल इन्फेक्शन 40% केसेस के अंदर। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की यूरिन में जो रेट है वो बढ़ जाती है विद एज, फ्रॉम 2 to 7% इन वेमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब वो फीमेल्स जिनमें जो प्रेगनेंसी की स्टेज के अंदर होती हैं, मतलब प्रेगनेंट होने के जिनके चांसेस, या आप कहीं रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर जो होती है उनमें ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 50% एल्डरली वेमेन के अंदर केयर होम्स के, मतलब होम में ही वो ध्यान दे रही होती हैं इस चीज़ के ऊपर। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिन के अंदर जो है 75% 75 से ज़्यादा एज में 7 से 10% उसके चांसेस रहते हैं। यूटीआई 10% पीपल में चाइल्डहुड के दौरान ही हो जाता है। चिल्ड्रन के अंदर यूटीआई जो है मोस्ट कॉमनली अनसर्कमसाइज्ड मेल्स के अंदर देखने को मिलता है, लेस देन 3 मंथ्स ऑफ एज, तीन
महीने से कम के एज के मेल्स चाइल्ड के अंदर ही देखने को मिल जाता है फीमेल्स के कंपैरिजन में, जबकि उनमें लेस देन 1 ईयर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस ठीक है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो आप देखते रहिए। सिम्टम्स ऑफ सिस्टाइटिस के हैं यूजुअली बिना ट्रीटमेंट के 4 से 9 दिन के अंदर क्लियर हो जाते हैं। कई बार देर आर सम सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट्स दैट कैन ईज द डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी सिम्टम। कई बार खुद ही आप कुछ सावधानियां रखते हैं जिससे वो सिम्टम ठीक हो जाते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, हमेशा तो सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे परफ्यूम्ड बबल बाथ हमें नहीं लेनी चाहिए, खुशबूदार पानी में नहीं नहाना चाहिए, खुशबूदार साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, टैल्कम पाउडर का जिनाइटल्स के चारों तरफ यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लेन अनपरफ्यूम्ड वैराइटीज़ आप फिर भी ले सकते हो, ज़्यादा खुशबूदार चीज़ें आपको नहीं लेनी है। शॉवर लीजिए बाथ के कंपैरिजन, मतलब बाथ टब में ना नहा करके शॉवर आपको लेना ज़्यादा सही रहता है। जिनाइटल्स को ज़्यादा केमिकल्स के एक्सपोजर में मत लाइए। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का भी ज़्यादा लंबे समय से तक यूज़ मत कीजिए। हमेशा ब्लैडर को पूरी तरह से जो है टॉयलेटिंग के दौरान एम्प्टी करना है। अगर यूरिनेट की आपको ज़रूरत हो वेट मत करो, ऐसा नहीं कि अभी रुक जाता थोड़ी देर बाद जाएंगे हम यूरिनेशन के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस समय आपकी आपको अर्ज हो रही है उसी समय आप जाइए और एम्प्टी करिए। और एक्स्ट्रा स्ट्रेस अगर आप ब्लैडर पे ले रहे होते हो तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉटन के अंडरवियर्स पहनने चाहिए हमेशा, नायलॉन सिंथेटिक मटेरियल नायलॉन वगैरह के कंपैरिजन में, और टाइट जीन्स या ट्राउज़र्स नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा हमेशा जेनिटल एरिया के फ्रंट पार्ट से लेकर बैक पार्ट तक को आपको अच्छे से पहुंचना है, ना कि बैक से फ्रंट में, फ्रंट से बैक में जो है वो वाइटनिंग आप स्टार्ट करिए, ना कि बैक टू फ्रंट जब भी आप टॉयलेट में जा रहे हो। कई बार कुछ लोग जो होते हैं फूड और ड्रिंक जो है, सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक मेक देयर सिस्टाइटिस वर्स। कुछ ऐसे फूड ड्रिंक भी होते हैं जिनसे उनकी सिस्टाइटिस ज़्यादा बिगड़ जाती है, जैसे कॉफ़ी फ्रूट जूस स्पाइसी फूड्स वगैरह से, तो ऐसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ऐसों को आप अवॉइड करिए। बस इसके साथ ही आपका ये सिस्टाइटिस वाला टॉपिक कम्प्लीट, और इसके साथ आपका रीनल सिस्टम की पैथोलॉजी यहाँ पे कम्प्लीट होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।